जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज एक न्यूज जो कि आसाम से है। आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा, सल्यूट करता हूं मैं उनको। और मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी जवान हैं, चाहे वो आर्मी हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स के, चाहे पुलिस फोर्स के जवान हो, एक सल्यूट बनता है आसाम के सीएम के लिए। ये न्यूज आप ये देख रहे हो, ये न्यूज बड़ी बड़ी हेडलाइन बनी हुई है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई भी अधिकारी किसी जवान को अपने घरेलू कामों में यूज करता है तो वो उसकी पेमेंट खुद देगा। और नीचे लिखा हुआ है कि अगर कोई भी जवान किसी अधिकारी के घर में पेमेंट काम करता है पर्सनल अपनी मर्जी से, तो उसकी पेमेंट बंद कर दी जाएगी। मतलब एक कितना बढ़िया फैसला है। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आसाम के सीएम साहब ने जो ये फैसला लिया है, बाकी जो चीफ मिनिस्टर हैं अलग अलग जगह के, उनके मुंह में दही जमी हुई है क्या, या आंखों पर पट्टी बांधी हुई है धृतराष्ट्र की तरह? क्या उनको नहीं दिखता कि आपके भी जो पुलिस विभाग है, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, उनकी कोठी और बंगलों पर जो जवान काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्यों इनके जवान, चाहे वो पुलिस का जवान हो, किसी अधिकारी का दूध ला रहा है, किसी अधिकारी के कुत्ते घुमा रहा है, या किसी के साग सब्जी बाजार से खरीद रहा है, क्यों? आखिर मैं पूछना चाहता हूं, पूरे ऑल इंडिया के जितने भी सीएम हैं, वो क्यों नहीं आसाम के सीएम की तरह ही इसको पूरे देश में लागू करें? और उसी के साथ हमारे माननीय मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, इस सिस्टम को पूरे के पूरे भारत में क्यों नहीं लागू करते? आप जिस दिल्ली में बैठे हैं, उस दिल्ली में ही 20,000 से ज्यादा सेवादार, और अगर पैरामिलिट्री फोर्स और सेना दोनों के लगा दिए जाएंगे तो कम से कम लाख बंदे, 1 लाख बंदे आपके दिल्ली में आपकी नाक के नीचे ही काम कर रहे हैं। सेना और पैरामिलिट्री के लाखों जवान मिल जाएंगे आपको, कुत्ता घुमाते हुए अफसरों के दूध लाने, इनके बच्चों को लाने ले जाने और ऐसे कामों में। क्यों इस सिस्टम में सब लोगों ने पट्टी बांध रखी है? और मैं उन अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हों, चाहे सेना के अधिकारी हों, पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारी हों, या किसी भी बेल्ट फोर्स के अधिकारी, जो अपने जवान के साथ न्याय नहीं कर सकते, जो अपने जवान को, जो कि भारत सरकार का गवर्नमेंट ऑफ सर्वेंट का जो अधिक बंदा है, जो गवर्नमेंट से पेमेंट ले रहा है कि वो एज ए पब्लिक सर्वेंट होते हुए पब्लिक की और इस देश की रक्षा करे, और उनको वो निजी सहायक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो सहायक हो, बटमैन हो, अर्दली हो, अपने घरों में यूज कर रहे हैं, ऐसे जो भी अधिकारी हैं जो हरामखोर कुत्तों की तरह बर्ताव कर रहे हैं, वो क्या पब्लिक से मतलब किस तरह पेश आएंगे? एक अधिकारी को जनता कितना लाइक करती है कि भाई ये न्याय करेगा उस कुर्सी पर बैठकर, चाहे वो कोई एसपी हो, आईजी डीआईजी हो, चाहे हमारा कर्नल जनरल हो, जो जिस कुर्सी पर बैठा है उससे उम्मीद की जाती है कि वो न्याय करेगा लोगों के साथ, लेकिन वो अपने ही डिपार्टमेंट के, अपने उसके अधीनस्थ जो कार्य कर रहे हैं, उन जवानों के साथ न्याय नहीं कर सकता, उन जवानों को अपने घरेलू काम में लगा रहा है, वो बहन जो देश का गद्दार है या नहीं, पब्लिक इस चीज का जवाब दे। हमारे जवानों को कहना चाहता हूं कि आज कहीं ना कहीं हमारी आवाज आसाम के सीएम तक पहुंची है और उन्होंने ये चीजें लागू की हैं। अब ये धीरे धीरे पूरे देश में होंगी, सेना में, पैरामिलिट्री फोर्स में और सभी बेल्ट फोर्स में ये चीजें बंद होंगी, अगर आप लोग खुद चाहोगे तो। अभी एक मध्य प्रदेश के हमारे एक भाई हैं पुलिस के, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, और वो चीजें बार बार भेजते हैं मेरे पास कि सर, जैसे सेना और पैरामिलिट्री के अफसर जवानों को घरेलू काम में यूज करते हैं, हमारे मध्य प्रदेश में भी बहुत से जवानों को इनकी कोठी और बंगलों पर काम करते हुए मैंने देखा है, वीडियो भी बना रखे हैं और मैंने शिकायतें भी की हैं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं, और उनकी वजह से बोले हमें छुट्टी तक नहीं मिलती है। बोले मैं जिस जहाँ ट्रैफिक में काम कर रहा हूँ, अगर घर में कोई समस्या भी आती है छुट्टी नहीं देते हैं, बोलते हैं जवान नहीं है, और उसी महकमे से, ट्रैफिक से, एसटीएफ से,
पुलिस दूसरे नॉर्मल विभागों से थानों से इनके घरों में, मतलब बड़े बड़े अधिकारियों के बंगलों पर साग सब्जी लाने में, इनके बच्चों को छोड़ने में, स्कूल में जा ले जाने जाने में, इन चीजों में जवान लगे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बीमारी हमारे सिस्टम में फैली हुई है। और मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ हमारी पब्लिक से कि इसको इतना वायरल करो कि आपका जवान आप ही के टैक्स के पैसे से इस देश की सुरक्षा के लिए भर्ती होता है, और आज उनकी पेमेंट किसी की भी शायद मिनिमम 50,000 है, उसको अबव अगर सेना के आप लगाओगे, पैरामिलिट्री फोर्स के लगाओगे, तो वो फील्ड में बैठे हैं या ऐसी ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ उनको अलाउंस वगैरह सब कुछ लगाया जाए तो 80,000 90,000 पेमेंट मिलता है। और उस 80,000 90,000 को लेकर कोई वहाँ फील्ड में ड्यूटी फील्ड में दिखाई जा रही है और काम कर रहे हो दिल्ली में बूट पॉलिश कुत्ता घुमाना, क्या यही न्याय है? हमारे देश का रक्षा बजट बोलते हैं 60% खर्च होता है, लेकिन उस 60% में 30% ये लोग डकार रहे हैं। देश को जरूरत है हमारे नौजवानों को, युवाओं को और आम पब्लिक को कि इन चीजों को खुलासा करें। जितने भी संसाधन हैं, जवानों को गाड़ी, कभी देखा आपको एक जवान टेम्पू रिक्शे में लिफ्ट लेकर जाता है छुट्टी आना जाना हो कहीं भी, और इनकी मेड में ये बाजारों में जिप्सियों में ऐसे भिंडी जैसे बाजार घूमते हुए मिल जाएंगे। ये क्या यार देश का भला करेंगे जिनका अगर एक टाइम की सब्जी भी जिप्सी में आ रही है, जिसमें एक गाड़ी में एक ड्राइवर है, गाड़ी का पेट्रोल है और पीछे एक बंदा और बैठा होगा, मतलब सरकार का 5,000 खर्च होकर इनकी 50 रुपए की सब्जी आती है, आपको लगता है कि ये न्याय करेंगे? ये देश को लूटने वाले इतने गद्दार हैं, गिरे हुए लोग हैं, ये न्याय कर सकते हैं? जैसे कि आसाम के सीएम ने कहा कि अगर ये पॉलिसी लागू हो ना कि जो बंदा ये रख रहे हैं उसका पेमेंट दें और जो जा रहा है उसकी पेमेंट बंद हो, तो एक ही दिन में इनकी बक बंद हो जाएगी। बहुत से कम रॉयल अफसर हैं जो पेमेंट पर रख सकते हैं, जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूँ जयपुर के, जो कि राजा खानदान के थे, भवानी सिंह जी, ब्रिगेडियर भवानी सिंह, 1 रुपया फौज से लेते थे और जो सहायक था एक ही सहायक रखा था उसको खुद पेमेंट देते थे, उसके बच्चों को विदेश में पढ़ाया है उसका पेमेंट भी देते थे। लेकिन आज आज ऐसे घिरे हुए लोग आ रखे हैं जो कि बंदे रखेंगे, जवान रखेंगे, लेकिन इसको उनका उनका खाना लंगर से आएगा। पार्टियों में जैसे मैंने एक वीडियो डाला था, आप मुझे पता है देश की जनता को और आपको तो ध्यान देने की जरूरत वो नहीं है, उस वीडियो में मैंने साफ साफ दिखाया है कि पार्टियां चल रही हैं इनके अफसरों की, चाहे इनकी निजी पार्टी हो, फैमिलियों की, बच्चे की, बर्थडे की, शादी की, उसमें 20-20 10-10 वेटर मंगा लेंगे, लेकिन उन वेटरों को, जवानों को, वो जवान होते हैं, उनको खाना तक नहीं खिलाते हैं, सड़ा गला खाना बेचो 4 दिन फ्रिज में रख के खा लेंगे, लेकिन किसी जवान को पानी का गिलास तक नहीं देते। जो वॉलेंटियर हैं, इस चीज को सोचो, तुम्हारा खाना भी जैसे उस वीडियो मैंने दिखाया था जिसमें वो बोल रहा है कि सर हम 30 बंदे हैं और हमारा खाना मैस से भेज देना, ड्राइवर, वेटर और जो गार्ड खड़ी होती है उसका खाना, ये बेंच, ये रॉयल्टी दिखाएंगे। ये कई खानदान के ऐसे लोग हैं जो पता नहीं रिश्वत के बलबूते पर या कैसे वहां पहुंच गए, लेकिन ये अफसर की क्वालिटी के लायक नहीं है। पहले जो अफसर की क्वालिटी देखी जाती थी कि इसके अंदर क्या वो है कि ये पैसे या उससे बढ़ के अपने देश को सोचे, लेकिन आज सड़ा इनके लिए ये देश को क्या किसी को भी बेच सकते हैं, सिर्फ पैसा इनकी तिजोरी में भरना चाहिए। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इस वीडियो को अगर आपको लगता है तो जायज है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आज जो आवाज आपकी, जैसे क्रांति थी ना 1857 की, उसकी तरह मैंने इस चैनल के जरिए क्रांति खड़ी कर दी है। अगर आप चाहते हो ये क्रांति हमारी, इन अंग्रेज चले गए लेकिन इन काले अंग्रेजों की गुलामी से भी हमें आजादी मिले, तो इस क्रांति में हमारा साथ दो, नहीं तो ये क्रांति फिर 100 साल के बाद हमने जो रास्ता बना दिया ना वो खत्म तो जरूर होगा, लेकिन 100 साल लगेंगे। और आपकी अगर फुल फोर्स होगी, वीडियो को शेयर करोगे, चैनल से ज्यादा जुड़ोगे, हमारी हिम्मत बढ़ाओगे, तो हम जरूर इसी क्रांति को सफल कर देंगे चंद दिनों में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।